أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته This video is in English and Urdu language ये video English में भी है और Urdu language में भी है I want to tell you that the first Khalifatullah is Adam alayhi salam and the last Khalifatullah is Isa Masih Mahdi alayhi salam and that is myself So according to the religious traditions and religious beliefs and the ahadith of various you know there are many ahadith telling that Adam alayhi salam have landed in India earlier India and Sri Lanka was one land it is a complete one land after the flood it got separated after the flood of Nuh alayhi salam so Starting point is India for Adam alayhi salam. Adam alayhi salam descended upon earth on one of the peaks of Sri Lanka, which is actually India. Later got separated and a big part got inside the water. And that is, I want to show you. It is a proof that Allah started Islam from India and here it is the end because I am born as an Indian so Allah have brought all the Edomites, Canaanites, Moabites, Egyptians, Israeli people who have worshipped the images into India to clean them off from this falsehood. This India is actually the India of the true Brahmins. Brahman means the Muslim in Arabic language. Brahman means the one who worships the Nirguna Brahma. Nirguna Brahma means one who is the invisible Lord of the universe. That is none other than Allah. Allah is the Nirguna Brahma whose symbol among Hinduism is Om. So, this India belongs to true Brahmins. Now, I am also a true Brahmin. Means I am a true Muslim born in India. So this India will be occupied by all the true Brahmins of this world that is none other than Muslims and all the people who are worshipping the images of the idols and images of the last savior will be clean inshallah. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आदम अलैहि सलाम अल्लाह के पहले खलीफा हैं और मैं ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम आखिरी जहाँ से दास्तान शुरू हुई अल्लाह ताला वहीं लाकर ख़त्म कर रहा है आपने ये गाना सुना होगा लोगों की शायरी तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम मेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे ख़त्म या तेरे नाम से शुरू या तेरे नाम पर ख़त्म मैं तो गवाहिया हूँ मुझे गाना आता नहीं शायरी भी नहीं आती तो पहले अव्वल अल्लाह है और आखिर भी अल्लाह है तो अल्लाह ताला का खलीफा इंसान दुनिया में पहले अव्वल खलीफा आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी खलीफा महदी अलैहिस्सलाम यानी मैं तो शुरू हुई दास्तान हिंदुस्तान से और दास्तान लाकर हिंदुस्तान पर ख़त्म हो रही है सारे लोगों को एडोमाइट्स को कैनानाइट्स को मोबाइट्स को मिस्रियों को इजिप्शियंस को यानी इजिप्शियंस रोमन्स को लातिनी ग्रीक्स वालों को और सारे जहाँ के मुशरिकीन को इसराइली मुशरिकीन को सबको लाकर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में जमा किया ताकि ईसा मसीह आखिरत जमा के इन लोगों को पाक कर दे लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान है किसका किसका है हिंदुस्तान अरे हिंदुस्तान हकीकत में सच्चे ब्राह्मणों का है क्योंकि ब्राह्मणिज्म यहीं से शुरू हुआ और अब यहीं पर लाकर अख्तिताम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्राह्मणिज्म क्या है भाई ये निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करने को ब्राह्मणिज्म कहते हैं यानी मुसलमान यानी इस्लाम यानी अल्लाह का मज़हब यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान पर लाके ख़त्म क्या बात है मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ देखिए ज़रा गौर कीजिए ये कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम का पहला पैर यहाँ पर रखा गया फिर आदम अलैहिस्सलाम जो है फैले फिर जिद्दा में बीवी हवा मिले और उनके पैर के बारे में भी जिक्र आता है ये रहा उनका पैर देखिए यहाँ पर इतना बड़ा पैर आदम अलैहिस्सलाम का
मेरे सोच और रिसर्च के हिसाब से आदम अलैह सलाम की हाइट जो है 90 फिट रही है, ना के 60 फिट। ठीक है, ये देखिए एक फुटप्रिंट मिल रहा है जो पक्का पैर से पैर है, और ये ज़रूर आदम अलैह सलाम ही का है, क्योंकि ये हाइट के सिर्फ और सिर्फ आदम अलैह सलाम थे। बाद के नेफिलिम जिसे जेंट्स भी कहते हैं, यानी बड़े बड़े पैर वाले, बड़े बड़े जिस्म वाले, उनके पैर भी इतने बड़े नहीं थे। क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो 90 फिट की हाइट निकलती है और वो सिर्फ आदम अलैह सलाम की थी। ओके, फिर अब मैं इसको आपको बताना चाहूँगा ये एडम पीक के बारे में। ये रही एडम पीक आदम अलैह सलाम की, अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, ये आदम अलैह सलाम का यहाँ पर उतरना हुआ कहते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तान ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह का। और यहाँ पर मजहब अब सिर्फ ब्राह्मणिज्म ही होगा, यानी इस्लाम होगा अरबी जबान में। सारे जहाँ में गलबे इस्लाम यहीं से। याद रखिए ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ही अव्वल, अल्लाह ही आखिर, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले खलीफा को भी यहीं पर भेजा और आखिरी खलीफा महदी अलैहिस्सलाम को भी यहीं पर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हिंदुस्तान है किसका? हिंदुस्तान में फिर ये मूर्ति पूजक कहाँ से आ गए? सारे जहाँ से जो मूर्ति पूजा करने वाले जाहिलून हैं यहाँ पर आके जम गए, बीच में आ गए, भाग भाग के आ गए, चोरी छुपी आ गए, दौलतें जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम की लूट कर यहाँ पर आ गए, ये बाइबल कहती है। लिहाजा सच्चे ब्राह्मणों का है हिंदुस्तान पहले से। लोग जो है हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऋषि जो है ओम ओम करते बैठते थे, यानी अल्लाह अल्लाह करते बैठते थे, एब्ल्यूशन यानी वजू करते थे, नहा के पाक साफ होके एक मालिक के ध्यान करते थे, और उसको छोड़ दिया गया। बीच में ये सारे मूर्ति पूजक आके बस गए और चोरी डकैती यहाँ पर इनका फरेब और माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, झूठ से, फरेब से धोखा देकर बहुत सारा, बहुत ज़्यादा सोना चांदी यहाँ पर जमा किया गया, बहुत ज़्यादा दौलतें यहाँ पर जमा की गई। लेकिन ये दौलतें इनके किसी काम आने वाली नहीं, क्योंकि सच्चा ब्राह्मणिज्म हो जाएगा, निर्गुणा ब्रह्मा ओम ही की इबादत होगी, लेकिन अरबी जबान में सारे जहां में। और यहीं से शुरू हुआ, यहीं से मामला खात्मा होगा इंशाल्लाह। महशर की जमीन यही है। महशर यानी हशर होगा, हदीस में आता है हशर। लोगों को बोला जा रहा है कि वहां पर पनाह लो जाकर, महशर में मशरिक की तरफ यानी शाम में पनाह लो, और शाम वो शाम जो मशरिक में हो यानी इंडिया। आप अगर मैप उठा के देख लें तो असल जो शाम है वो जो वो तो नॉर्थ में है, वो इंडिया इंडिया आता है इधर मशरक में। तो महशर यहाँ पर, महशर यानी बाइबल में भी आता है ईसा मसीह आने के बाद जजमेंट होगा सारे जहाँ में। वो जगह निकली इंडिया, लिहाजा महशर ये ज़मीन है। आप बोलेंगे नहीं क़यामत का वाक़या, अगर क़यामत का वाक़या होता तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कहते कि सब लोग जाओ और पना लो मशरक के यानी सीरिया में, यानी शाम में पना लो, यानी महशर यानी इंडिया में पना लेने की नहीं बोलते, क्योंकि क़यामत के दिन तो कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो यह हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान मेरा और मेरे मालिक ओम का है, निर्गुणा ब्रह्मा का है, यानी अल्लाह का है। और सारा जहां होगा हमारा, यही सच्चाई है। सारा एशिया पहले एक ही था और यहीं से गलबा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज 13 जनवरी 2016 है और शाम के 8:20 हो रहे हैं। अभी भी मैंने ईशा की नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह।